इजी और इनोवेटिव रेसिपीज के लिए हमारे चैनल फूड कनेक्ट को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुलिका आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ मुंबई का फेमस शाही मलाई गोला, जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही रिच और रॉयल होता है, देखते ही खाने का मन करता है। मुंबई में बहुत ज्यादा गर्मियों में मिलता है और लोग इसे खाना पसंद करते हैं। इसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हम आइस क्यूब्स को एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसका ढक्कन लगा के इसको हम एकदम फाइनली क्रश कर लेंगे। हमें एकदम फाइन क्रश चाहिए, बहुत ही आसानी से बिना किसी स्पेशल टूल के इसको घर पे आसानी से क्रश कर सकते हैं। तो मैंने मिक्सर जार में इस तरह से आइस को क्रश कर लिया है। अब आप जिस प्लेट में इसे बनाना चाहते हैं उसी प्लेट में आप डायरेक्ट इसे ट्रांसफ़र करें, ताकि आपकी ये जो बर्फ है वह जल्दी से ना पिघले, क्योंकि बर्फ बहुत जल्दी पिघलती है, गर्मी का भी सीज़न है। तो इस क्रश्ड आइस से हम करीब 2 गोले बना सकते हैं। यदि आपको और ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा आइस डालकर भी बड़ा गोला बना सकते हैं, जिसमें करीब 2 से 3 लोग इसे ईजिली और आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने साफ हाथों से इस पिसी हुई बर्फ को डोम का शेप दें और हल्का सा दबाएं, ज़्यादा प्रेशर ना दें। यदि आपको लगे इसमें और बर्फ कम है तो और बर्फ डालें और एक अच्छे से डोम का शेप दे दें। बहुत ज़्यादा इसे हमें दबाना नहीं है। अब आप इसमें घर की बनी हुई रबड़ी डालें। इस रबड़ी का रेसिपी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है, अब वहाँ जाके इसे आराम से आसानी से बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको चाहे आप इस तरह से मलाई गोले को सर्व करके एंजॉय कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इसमें रोज सिरप डाल रही हूँ। जनरली यह है जो गोला होता है इसके अंदर बेसिक सिरप से जाते हैं, लेकिन यदि आपको दूसरे सिरप पसंद तो वो भी डाल सकते हैं, पर रोज सिरप, खस सिरप और केसर सिरप इसमें एकदम परफेक्ट जाता है। उसे बहुत ही बढ़िया रिच और रॉयल टेस्ट आता है और ये गर्मी में बहुत ही ज़्यादा ठंडी देने वाले सिरप कहलाए जाते हैं। तो आप इन सिरप्स का यूज करेंगे तो आपको एकदम परफेक्ट टेस्ट आएगा। अब आप थोड़ा सा मावा ग्रेट करते हुए इसके ऊपर डालें, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी और रिच लगता है। तो इस तरह से आपको जितना रिच चाहिए उतना ही आप इसमें मावा डालें ग्रेट करते हुए। तो इस तरह से वापस ये गोला तैयार है। फाइनल गार्निशिंग के लिए हम वापस इस पर थोड़ा सा रोज सिरप डालेंगे और खस सिरप डालेंगे। आप जितनी मात्रा में जितना मीठा खाना चाहते हैं उतना आप सिरप इसमें ऊपर डालें और इसको तुरंत सर्व करें। तो इस तरह से लास्ट में आप काजू के टुकड़ों से इसे गार्निश करें और हो गया हमारा मुंबई का फेमस शाही मलाई गोला तैयार। तो फ्रेंड्स, इस समर सीजन में इस शाही मलाई गोले को जरूर ट्राई करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करें। आपके फैमिली मेंबर्स और बच्चों को ये कैसा लगा जरूर बताएं। इसी तरह की रेसिपीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।